Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान के इस कोर्स के साथ जिसका आज ये सातवां सत्र है यानी लेक्चर नंबर सेवन और जिसका टाइटल है कंज्यूमर साइकोलॉजी यानी उपभोक्ता मनोविज्ञान और आज हम अपने इस सत्र में ये समझने का प्रयास करेंगे कि, कि किस प्रकार से जो कंज्यूमरिज़्म है यानी जो उपभोक्तावाद है उसका ये ज़माना है इस समय हम ये देखते हैं कि मार्केट में तमाम तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उनको यूज़ करने वाले या उसको ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेक्शन्स होते रहते हैं जो कंज़्यूमर और मार्केट के बीच में जो इंटरेक्शन्स होते हैं और इसी तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि बिज़नेस से और ऑर्गेनाइजेशन्स की प्रोडक्टिविटी से और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी में रहते हैं वो भी बहुत हद तक इस प्रकार के जो मार्केट उनका जो मार्केट के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसका जो यूज़ वो करते हैं और उसमें से वो प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं और उसमें कुछ चीज़ों को वो पसंद करते हैं कुछ चीज़ों को वो बार बार इस्तेमाल करते हैं कुछ चीज़ों को फिर वो कंटिन्यू नहीं करते तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो कंज्यूमर के आज के समय में जो कंज्यूमर के संदर्भ में जो हमारे जहन में आती हैं और इस प्रकार जब हम बात करते हैं इस तरह की बिहेवियर की यानी कि जो कंज्यूमरिज़म है जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसकी जब हम स्टडी की बात करते हैं या उसमें जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव है जो उसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है एक इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल किस तरह से मार्केट में अपनी बिहेवियर को प्रेजेंट करता है किस तरह के किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करता है किस तरीके से वो उनका यूज़ करता है कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसे प्रभावित करते हैं तो ये सारी बातें हैं जो हम आज के सत्र में करेंगे और इसके बाद जो सबसे पहला हमारा जो इंट्रोडक्शन है दैट इज़ अबाउट कंज्यूमर साइकोलॉजी यानी उपभोक्ता मनोविज्ञान कंज्यूमर साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई कंज्यूमर्स बिहेव थिंक एज वेल एज रिस्पोंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर रिलेटेड स्टिमुली। अब यहाँ पर जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात है कंज्यूमर साइकोलॉजी के संदर्भ में वो ये है कि ये एक वैज्ञानिक हम कह सकते हैं पद्धति है या अध्ययन है जिसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं जो उपभोक्ता हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे वो किस प्रकार से सोचते हैं और वो कैसे मार्केट में जो अवेलेबल जो उनके प्रोडक्ट्स या जो वस्तुएं अवेलेबल हैं उनको लेकर के उनका जो बिहेवियर होगा या चाहे उनका डिसीजन होगा वो किस प्रकार से वो चीज़ें शेप लेंगी तो इन सब बातों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है और यहाँ पर फिर से जो साइकोलॉजी का ही जो हम कह सकते हैं कि जैसे साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है उसके कोर में उसकी साइंटिफिक वैल्यूज़ हैं उसी तरह से जो साइकोलॉजी से अन्य जो उसकी ब्रांचेज हैं उनके भी कोर में वही साइंटिफिक डिसिप्लिन है यानी कि उपभोक्ताओं का जो बिहेवियर है जो थिंकिंग पैटर्न है जो डिसीजन मेकिंग है उनकी उसके बारे में साइंटिफिक अप्रोच के साथ रिसर्च करना उनका डेटा कलेक्ट करना और उससे आधारित होकर के फ्यूचर में वो किस प्रकार से अपना बिहेवियर या अपना रिस्पॉन्स देंगे उसको प्रिडिक्ट करना तो ये सब कंज्यूमर साइकोलॉजी के डोमेन में आता है इसके बाद एक और जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा का विषय है वो ये है कि कंज्यूमर साइकोलॉजी जो ह्यूमन बिहेवियर को समझने का जो प्रयास करती है उसमें विशेष करके जो मार्केट के अंदर जो उपलब्ध जो सामान है या जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के उनका बिहेवियर किस प्रकार से होता है और उनके मेंटल प्रोसेसेस यानी उनके दिमाग में किस प्रकार की प्रक्रियाएं शेप ले रही हैं कैसे चल रही हैं इनके बारे में जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है वो अपनी जो भी नॉलेज जो भी अक्वायर करता है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक कंट्रोल सेटिंग में उनको कभी कभी कलेक्ट किया जाता है कभी कभी उनको रियल सेटिंग यानी कि रियल एनवायरनमेंट में यानी मार्केट में या फिर जहां पर वो घटना हो रही है जैसे मॉल में शॉपिंग मॉल में या फिर इस प्रकार के जो भी ऐसे जगहें हैं जहां पर कंज्यूमर बिहेवियर प्रदर्शित होता है ऐसी जगहों पर डायरेक्टली जाकर भी लोगों के डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद ये जो पूरी नॉलेज एक्यूमलेट की जाती है ये जो पूरा जो बेस तैयार किया जाता है नॉलेज का जो थियरीज़ जिसके आधार पर बनती हैं उन सभी नॉलेज को और थियोरीज़ के आधार पर जो उसकी फाइनल एप्लीकेशन है वो कंज्यूमर साइकोलॉजी के माध्यम से उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में और उसके आधार पर जो प्रोडक्ट बेस है या फिर जो मार्केट में जो भी स्ट्रेटेजीज़ हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट उसकी सेलिंग से लेकर के उसके यूज़ से लेकर के उसकी डिज़ाइनिंग से लेकर के, ले के हर प्रकार के जो ये हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड उन सभी पे इसका असर होता है और कहीं ना कहीं मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी सेलिंग उनकी डिज़ाइनिंग उनकी प्रिपरेशन उनकी प्रेजेंटेशन ये सभी बहुत हद तक प्रभावित होती हैं जो कंज्यूमर साइकोलॉजी के द्वारा जो नॉलेज एक्वायर किया जाता है या एक्यूमलेट किया जाता है उसके बेसिस पे ये सभी हम कह सकते हैं कि आ, जो मार्केट की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होती हैं या उससे गवर्न होती हैं इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट जो होता है यानी जो इस क्षेत्र में काम करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो जो रिसर्च फाइंडिंग्स और अन्य क्षेत्रों में भी जैसे मनोविज्ञान के और जो अन्य क्षेत्र हैं जिसमें हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी उसके अलावा न्यूरो uh, साइकोलॉजी इस तरह के जितने भी डोमेन हैं साइकोलॉजी में उन सभी का हम यहाँ पर उसकी जो एक्वायर्ड नॉलेज है वहाँ से उन सभी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं यानी कि हम उस सभी जो नॉलेज हमने एक्वायर की है वेरियस जो फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी से और ना सिर्फ साइकोलॉजी बल्कि और भी अदर फील्ड्स जैसे मैनेजमेंट और लॉ और इस प्रकार के जो और भी अन्य क्षेत्र हैं या इकोनॉमिक्स हुआ तो इस तरह के जितने भी फील्ड्स हैं कनेक्टेड फील्ड्स हैं जहाँ से हम वो पूरा डेटा लेते हैं या वहाँ की रिसर्च में जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं उन सभी को कहीं ना कहीं कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट उसको अप्लाई करते हैं उसको यूज़ करते हैं ताकि वो कंज्यूमर बिहेवियर को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर सकें उसको समझ सकें और उसके आधार पर वो भविष्य में किस प्रकार से बिहेव करेंगे वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें तो इसके बाद हम अपने अगले जो इस डिस्कशन के पॉइंट पर चलेंगे और वो ये है कि कंज्यूमर साइकोलॉजी रिलेटिवली सुनने में कई बार ये प्रतीत हो सकता है कि ये एक नया डिसिप्लिन है या ये एक नई ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो कि अभी रिसेंटली ही हम कह सकते हैं कि एक ऐसा परसेप्शन होता है अक्सर लोगों में कि कंज्यूमर साइकोलॉजी इज़ अ रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन और ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी बट ऐसा नहीं है और ये इस चीज़ से भी विदित होता है कि 1962 में यानी आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व ही ए पी ए ने यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1962 में कंज्यूमर साइकोलॉजी को अपने एक डिवीज़न के तौर पर अपने एक जो उसके आज के समय में मोर देन 50 डिविजन्स हैं ए पी ए के यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के 50 से अधिक डिविजन्स हैं और 1962 में ही ए पी ए ने अपने एक डिवीज़न के तौर पर कंज्यूमर साइकोलॉजी को मान्यता दे दी थी या उसका रिकॉग्निशन कर लिया था इसके बाद हम ये देखते हैं कि ए की इस रिकॉग्निशन के पहले भी जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है उसके हम कह सकते हैं फाउंडेशंस यानी उसकी जो आधारशिला है वो उसके काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी और मनोविज्ञान के क्षेत्र में जैसा आप छात्रों को विदित होगा कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में विलियम ऊंट जो फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी उनको कहा जाता है और जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका उनको फादर यानी जनक भी माना जाता है तो सबसे शुरुआती क्रेडिट अगर हम किसी को दें और कंज्यूमर साइकोलॉजी की फील्ड में तो वो हम दे सकते हैं टू विलियम उन्ट और उन्होंने अपने शुरुआती काम जो उन्होंने अटेंशन के क्षेत्र में किए वो सभी कहीं ना कहीं आगे चल करके इस क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं यानी कि जैसे हम आगे अभी जो चर्चाएं करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट किन किन क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं या किन क्षेत्रों से वो रिसर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसमें अटेंशन भी एक है उसी प्रकार से जो विलियम ऊंट का जो कार्य था वो भी कहीं ना कहीं एक आधारशिला रखने में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इसके बाद विलियम ऊंट के बाद हरलो नाम के एक और उस समय मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया और उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसके बाद इस क्षेत्र में रहा और उसके बाद जो कुछ नाम आते हैं हमारे पास उसमें ह्यूगो मंडसरबर्ग जो फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी भी माने जाते हैं उन्होंने भी आ, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में और ऑर्गेनाइजेशनल और, जो सेटिंग्स हैं उसको लेकर के और मार्केट से रिलेटेड उन्होंने जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है उसके एप्लीकेशन पर काफ़ी कार्य किया और इस तरह से ह्यूगो मंडसरबर्ग का भी आ, योगदान इस क्षेत्र में है इसके बाद हम ये देखते हैं कि जॉन बी वॉटसन यानी कि वॉटसन जो एक बहुत नामी बिहेवरिस्ट उस ज़माने में साइकोलॉजी की फ़ील्ड में थे उन्होंने भी आगे चल करके के इस फील्ड में बहुत योगदान दिया है और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने यानी इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी बहुत से ऐसे रिसर्चर्स हुए बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में बहुत से काम किए बहुत से योगदान दिए और उन उन्हीं के सिद्धांतों की मदद से उन्हीं के एक्सप्लेनेशंस उन्हीं के रिसर्च की मदद से आज कंज्यूमर साइकोलॉजी की ये जो फील्ड है ये इतनी रिच फील्ड बनी है और इसकी मदद से हम आज कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं समझते हैं एक्सप्लेन करते हैं और उसको उसके बेसिस पे उसका प्रडिक्शन करते हैं कि किस प्रकार से वो फ्यूचर में बिहेव करेंगे तो इस प्रकार की जो पूरी एक जर्नी है जो मनोविज्ञान के ही उदय के साथ इसकी भी हम कह सकते हैं कि आधारशिला वहाँ से पड़ती है और इसके बाद ये आगे एक फुल हम कह सकते हैं एक ब्रांच के तौर पर मनोविज्ञान के ये एक इस्टेब्लिश होती है ये फील्ड इसके बाद हम बात करेंगे कंजम्पशन जो टर्म है यानी उपभोक्ता या उपभोग जो करने की जो जो एक हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कंजम्पशन टर्म बार बार यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है उसका जो मीनिंग है वो ये है कि टू यूज़ समथिंग यानी कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करता है चाहे वो वस्तु मार्केट में उपलब्ध हो या वो किसी सर्विस के तौर पर हो या वो किसी भी प्रकार से उपलब्ध हो तो ऐसी जब किसी भी वस्तु का वो उपभोग करता है यानी उसका इस्तेमाल करता है उसका उपयोग करता है तो वो उसको कहते हैं हम कंजम्पशन और जो व्यक्ति इस चीज़ को यानी उस वस्तु को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है तो ऐसे में कंज्यूमर साइकोलॉजी के हम कह सकते हैं कि दायरे में लगभग लगभग हर वो एक्टिविटी आती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई भी कंजम्पशन करता है यानी वो किसी भी तरह की कोई भी वस्तु अगर इस्तेमाल कर रहा है तो वो कंज़्यूमर साइकोलॉजी के डोमेन में आएगी और यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन जो अक्सर विद्यार्थियों में और कई लोगों में रहता है वो ये समझते हैं कि कंज्यूमर साइकोलॉजी केवल रिस्ट्रिक्टेड है शॉपिंग से रिलेटेड यानी कि जब हम बाज़ार में जाके कोई सामान खरीदते हैं तो केवल उस दौरान जो हमारा बिहेवियर है केवल उससे संबंधित है कंज्यूमर साइकोलॉजी परंतु ऐसा नहीं है और कंज्यूमर साइकोलॉजी हर उस एक्टिविटी से संबंध रखती है जहाँ पे भी कंजम्पशन की बात होती है यानी कि चाहे वो इन हाउस कंजम्पशन हो चाहे वो किसी भी फील्ड में किसी भी वस्तु का कंजम्पशन हो जब वो कंजम्पशन होता है तो वो कंज्यूमर साइकोलॉजी यानी उपभोक्ता मनोविज्ञान के दायरे में वो आता है और उसका अध्ययन उसमें किया जाता है इसके बाद हम बात करेंगे दो प्रकार के प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे अंदर पाए जाते हैं और इस तरह की जो अवधारणा है कि जो ये दो प्रकार के सिस्टम्स हमारे अंदर हैं ये कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल जो थिंकिंग पैटर्न है और जो हमारा डिसीजन मेकिंग है उसको प्रभावित करते हैं और इसको सिस्टम वन एंड सिस्टम टू के नाम से हम इसको संबोधित करते हैं और ये दोनों ही जो सिस्टम हैं ये पैरेलल फैशन में काम करते हैं यानी ऐसा नहीं होता कि जो सिस्टम वन है वो हमारा जब कार्य कर रहा हो तो सिस्टम टू उस समय कार्य नहीं करेगा परंतु ये दोनों ही सिस्टम इंटेंडम काम करते हैं यानी ये दोनों पैरेलली काम करते हैं बट इन दोनों की जो कार्य करने की शैली है या इन दोनों के एक्टिवेट होने की जो शैली है वो थोड़ी सी अलग है यानी कि हम जब देखेंगे तो सिस्टम वन जो है यानी हमारे जो थॉट पैटर्न का यानी हमारा जो कॉग्निशन के अंदर जो थिंकिंग पैटर्न है हमारा उसमें सिस्टम वन जब एक्टिवेट होता है तो उसमें जो हमारी थिंकिंग होती है वो फास्ट होती है यानी वो काफ़ी तेज़ गति से वो होती है उसके बाद वो जो थिंकिंग पैटर्न है हमारा वो ऑटोमेटिक होता है यानी कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते और ये अनकॉन्शियस वे में ये थिंकिंग हो जाती है यानी कि ये इतनी तीव्र है और ये इतनी ऑटोमेटिकली हैपन हो रही है कि इसके बारे में हमें एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ते या हमें कॉन्शियसली इसके बारे में सोच करके या इसके बारे में हमें कोई पर्टिकुलर एफर्ट नहीं डालना पड़ता और ये कुछ हद तक हमारा इस थिंकिंग का जो पैटर्न है वो इमोशनल भी होता है तो ये जो थिंकिंग पैटर्न है ये कही न कहीं ना कहीं हमारी जो रैंडम थॉट्स हम कह सकते हैं रैंडम थॉट्स जो हमारे इमीडिएटली जो हमारे अंदर किसी भी वस्तु को देखने के बाद या किसी भी इवेंट में जो त्वरित हमारे जो विचार आ जाते हैं या जो हमारे थॉट्स आ जाते हैं उसके बेसिस पे जो हम एक्शंस लेते हैं वो सिस्टम वन के आधार पर होते हैं और जो सिस्टम टू होता है वहाँ पर जो थॉट प्रोसेस है वो स्लो होता है कंपेयर टू सिस्टम वन और साथ ही साथ ये एफर्टफुल होता है और इसमें लॉजिक का एप्लीकेशन होता है यानी कि सिस्टम वन में कोई भी चीज़ हमारे लिए त्वरित होगी और उसके आधार पर हम तुरंत डिसीज़न ले लेंगे जबकि सिस्टम टू की जब हम बात करते हैं तो ये स्लो होता है एफर्टफुल होता है और लॉजिकल होता है तो ज़्यादातर केसेस में और सिस्टम वन का जो फास्ट होने का जो रीज़न है उसके पीछे जो एक हम कह सकते हैं प्रमुख रीज़न है उसमें से एक है ह्यूरिस्टिक्स और ह्यूरिस्टिक्स हम मेंटल शॉर्टकट्स को कहते हैं जो हमारे अंदर एक प्रकार का एक थिंकिंग पैटर्न हम कह सकते हैं है जो हमें यूजुअली फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है और इसमें भी जो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है यानी जो सूचना हमारे पास ईजीली अवेलेबल है उसको हम रेडिली हम प्रोसेस करते हैं और उसके आधार पर हम अपने निर्णय त्वरित गति से ले लेते हैं तो सिस्टम वन जो है वो हमारे यूजली इन्हीं मेंटल शॉर्टकट्स यानी ह्यूरिस्टिक्स के बेसिस पे कार्य करता है जबकि जो सिस्टम टू हमारा है वो अक्सर स्लो फैशन में काम करता है और साथ ही साथ उसमें हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं उसमें हमारी जो थिंकिंग होती है उसका जो बेस है वो लॉजिकल होता है अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो यहाँ पर हम देखें कि यदि हमें अभी अपने घर से बाहर मार्केट की तरफ जाना हो और शाम का वक्त हो तो ऐसे में हम ये सोच सकते हैं कि हम अभी बाहर निकलेंगे और वॉक करते हुए हम अगर दो किलोमीटर हमारा मार्केट है तो हम वॉक करते हुए शाम में अच्छे से जाएंगे और आराम से अपना जो भी शॉपिंग हमें करनी है या जो भी सामान हमें लेना है वो लेते हुए हम वॉकिंग करते हुए वापस आ जाएंगे इससे हमारा जो बेनिफिट होना चाहिए इस थॉट को पीछे कि ऐसे में हम जब जाएंगे तो हमारा वॉकिंग भी हो जाएगा यानी हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और जो हम सामान लेने जा रहे हैं उसके लिए हमें अपना कार का या बाइक का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा और हम ईंधन की भी बचत कर पाएंगे और ऐसे में हम पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे अपनी सेहत भी बनाएंगे तो ये जो थाट्स हैं ये हमारे सिस्टम टू के तहत हमको लॉजिकल थाट्स हैं और ये इस पर हम सोच के विचार करके ये हम अपने अंदर ये लाते हैं थाट्स परंतु यदि उसी समय हम ये अगर इमेजिन करें कि उसी समय वर्षा होने लगे या बारिश हो जाए तो ऐसे में हम इमीडिएटली पहला काम ये करेंगे कि हम अपनी कार निकालेंगे और कार से हम मार्केट चले जाएंगे अब इसमें हम ये बातें ध्यान नहीं देंगे कि कार चलाने से हमारा ईंधन ज़्यादा खर्च होगा या हमारी जो पर्यावरण को नुकसान होगा इस प्रकार के अब जो थाट्स हैं वो हमारे दिमाग में वो नहीं आएंगे और इमीडिएट जो एक्शन हम लेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन सिस्टम वन थिंकिंग प्रोसेस और इसलिए जो फास्ट अकरिंग हमारी जो थिंकिंग है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो हो गई और हमने जो डिसीज़न लिया वो यही लिया कि हम कार से अपने जहाँ पर हमको डेस्टिनेशन पर जाना है हम वहाँ जाएंगे तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो थिंकिंग पैटर्न है वो इस सिस्टम के आधार पर कार्य करता है इंडिविजुअल्स का इसके बाद जो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट हैं उनका जो प्रमुख कार्य है वो है टू एनालाइज एंड टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर और जैसा कि हम पहले भी अपनी चर्चा में कई बार इस चीज को दोहरा चुके हैं कि जो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका जो प्रमुख कार्य है वो है ये विश्लेषण करना कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है यानी जो उपभोक्ता व्यवहार है वो किस प्रकार से किन फैक्टर्स से वो गवर्न होता है या प्रभावित होता है और एक उपभोक्ता किस प्रकार से अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस में या जब उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो वो किस प्रकार से वहाँ पर उसका थॉट पैटर्न होता है और वो कैसे अपने डिसीजंस लेता है और कैसे वो ये तय करता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है तो इस प्रकार की जो पूरी जो कह सकते हैं कि जो एनालिसिस है या इस प्रकार की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वही मुख्य कार्य है कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट का इसके बाद यदि हम बात करें कि कोई भी छात्र जो साइकोलॉजी के फील्ड में अपनी एजुकेशन अभी ले रहा हो वो यदि आगे चल करके के कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट बनना चाहे तो वो किस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम अपनी जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आप उसको ऑप्टेन करें उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो आपका मास्टर्स का कोर्स है उसमें आप कंज्यूमर साइकोलॉजी को एज ए आप अपना स्पेशल सब्जेक्ट ले सकते हैं और वहाँ पर वहाँ से आगे बढ़ें जब आप तो आप इस क्षेत्र में रिसर्चेस कर सकते हैं और उसके लिए आप पीएचडी को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में या फिर किसी अन्य तरीके से आप इस फील्ड में आप आगे कार्य कर सकते हैं और साथ ही साथ सिर्फ ये रिसर्च करने के द्वारा या फिर हम कहें कि कोर्स करने के द्वारा ही आप एक कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट नहीं बनते बल्कि आप फील्ड में डायरेक्टली अगर काम करते हैं जैसे आप कल को ग्रेजुएशन करने के ही बाद यदि आप फील्ड में काम करने लगे तो फील्ड में काम करते करते भी आप बहुत से ऐसे अनुभव आपको प्राप्त होंगे बहुत सी ऐसी आपके पास हम कह सकते हैं कि योग्यताएं आएंगी जिसके आधार पर आप एक अच्छे कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आप कार्य कर सकते हैं हालांकि कई बार ये देखा गया है कि जो प्रोफेशनल्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो खुद को यदि उनके पास ऐसी कोई फॉर्मल डिग्री नहीं होती तो वो खुद को कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट क्लेम नहीं करते परंतु अगर हम देखें तो हर वो व्यक्ति जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करता है उसको समझने का प्रयास करता है उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है या उससे संबंधित वो जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो अगर इन्वॉल्व है तो हर वो व्यक्ति हमारे हिसाब से वो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट की श्रेणी में आता है और ये संभव है कि उसके पास फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर्मल एजुकेशन ना हो परंतु उसके पास फील्ड एक्सपीरियंस उसके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो सकता है तो इस नाते इस नाते वो व्यक्ति भी कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट की तरह ही कार्य करता है इसके बाद कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट का जो एक और महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि ये बिज़नेस को ये समझने में मदद करते हैं कि किस प्रकार से वो अपने कस्टमर्स की नीड को और उनकी इच्छाओं को यानी उनकी क्या ज़रूरत है और उनकी क्या इच्छा है उसको समझने में वो उन्हें बहुत मदद करते हैं और बहुत हद तक इसी के आधार पर जो बिज़नेस हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती हैं वो उसी के आधार पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं और उसी के बेसिस पे वो ये तय करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो रियल कस्टमर बेस है वो कौन होगा यानी कि न सिर्फ़ वो कस्टमर के आधार पर प्रोडक्ट्स बनाते हैं बल्कि वो प्रोडक्ट्स के आधार पर ये भी देखते हैं कि कौन हमारा कस्टमर बेस है कौन हमारे लिए टारगेट ऑडियंस है और कौन हमारे लिए आ, हमारे हमारा मार्केट है तो उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं उसके लिए वो ज़्यादा कह सकते हैं कि फोकस होकर के अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं जैसे अगर इसका हम एक उदाहरण ले लें तो जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के जो प्रोडक्ट्स आते हैं जो भी जो स्मॉल बेबीज़ के इन्फेंट्स के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वहाँ पर हम ये देखते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा जो उसका टारगेट जो सेगमेंट है यानी वो तबका जो उसको खरीदेगा वो कंज्यूमर बेस वो उन बच्चों की मदर्स, यानी सबसे जो ज़्यादा इस फील्ड में जो डिसीज़न लेंगे यानी उस प्रोडक्ट को जो वास्तव में खरीदेंगे या यूज़ करेंगे वो हैं मदर ऑफ द चिल्ड्रन तो मदर ऑफ द चिल्ड्रन यदि वो हमारा कंज्यूमर बेस है तो हम उसको टारगेट करके उसको क्या पसंद है उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं वो किस तरह से डिसीजन लेता है वो सेगमेंट तो ये सब चीज़ें एक कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट उस बिज़नेस में जो भी लोग हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये सजेस्ट करते हैं या उनके उनको इस बारे में अवगत कराते हैं अपने रिसर्च के द्वारा अपने डेटा कलेक्शन के माध्यम से तो इस प्रकार के जो कंक्लूजन्स और जो प्रिंसिपल्स और जो थियरीज़ वो बनाते हैं उसके आधार पर वो उनको सजेस्ट करते हैं उनको गाइड करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करिए आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और आप जो ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट है उसमें किन बातों का आप ज़्यादा ध्यान रखिए तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट जो एग्जिस्टिंग uh, बिजनेस होते हैं इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उन सभी को वो इस तरह से हेल्प करते हैं इसके बाद कंज्यूमर साइकोलॉजी के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं कि एक एक प्रकार का जो ध्यान रखने वाली बात है कि कंज्यूमर साइकोलॉजी की फील्ड में जो ज़्यादातर जो शोध होते हैं या जो रिसर्चेज होती हैं वो आज भी हम कह सकते हैं कि यू बेस्ड यानी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही ज़्यादातर जो रिसर्चेज़ हैं वो वहीं से स्पॉन्सर्ड होती हैं तो ऐसे में जो ज़्यादातर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जो हमारे पास जो नॉलेज है या जो हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं या थेरीज़ जो हमने बनाई हैं या जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से उन्हीं की रिसर्च या उनके मैक्सिमम जो जो वहाँ के जो डेटा कलेक्शन है उसके आधार पर ही हमने ये चीज़ें बनाई हैं परंतु यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और वो ये है कि न सिर्फ ऐसे जो मार्केट्स हैं जो कि यूएस बेस्ड हैं या यूरोपियन बेस्ड हैं बल्कि देर आर अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो कि जिसमें हमारा अपना देश भारत भी है और बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं जिनका एक डिफरेंट कल्चर है जिनकी अपनी डिफरेंट प्रैक्टिस हैं जिनकी अपनी डिफरेंट सोचने के तरीके हैं उनकी अपनी एक रिजनैलिटी है उनकी अपनी एक पहचान है तो ऐसे में जो उनकी यूनिकनेस है वो कहीं ना कहीं जब इस तरह की हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर कल्चर को स्पेसिफिक होकर के जो स्टडीज़ की जाती हैं या जो इस प्रकार के जो भी फाइंडिंग्स हमारे पास हैं वो कहीं ना कहीं दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर मार्केट जिसने उसको स्पॉन्सर किया है या जहां पर उसका ओरिजिन हुआ है तो ऐसे में कंज्यूमर साइकोलॉजी की फील्ड में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो आज के इस ग्लोबल खास करके जो आज का जो सिनेरियो अगर हम बात करें तो ये एक ग्लोबल सिनेरियो है और यहाँ पर कोई भी एक मार्केट दूसरे मार्केट से बहुत ज़्यादा उसका डिस्टेंस नहीं है यानी कि आज की डेट में लगभग लगभग पूरा वर्ल्ड एक मार्केट के तौर पर देखा जा सकता है और ऐसे में कोई एक जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का या उनको सेल आउट करने का या उनको लॉन्च करने का जो प्लेटफॉर्म होगा वो केवल उसका एक लोकलाइज्ड क्षेत्र या कंट्री या कॉन्टिनेंट नहीं होगा बल्कि वो आज के समय में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन का इतना बेहतरीन हमारे पास नेटवर्किंग है तो ऐसे समय में ये जितने भी देश हैं ये या इस तरह के जितने भी जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस या बिज़नेस एंटरप्राइज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली लॉन्च करते हैं और ऐसे में हर मार्केट उनके रीच में है और वो उसको टारगेट करके अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं या उसको टारगेट करके वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो ऐसे में हमें क्रॉस कल्चरल जो एस्पेक्ट है उसको बहुत ही केयरफुली स्टडी करना चाहिए और उसका पूरा ध्यान देना चाहिए कि, कि किस प्रकार से जो ये हम ओवरऑल जो कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं या कंज्यूमर साइकोलॉजी की फील्ड में जो हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं क्या वो उस कल्चर में एक दूसरे मार्केट में भी उतनी ही बेहतर तरीके से एप्लीकेबल है या नहीं और यदि वहाँ की कुछ यूनिकनेस है तो हमें उसके आधार पर उस कल्चर के आधार पर उस कह सकते हैं कि कंट्री के आधार पर उस रीजन के आधार पर हमें स्पेसिफिक होकर डेडिकेटेड होकर रिसर्चेस करनी चाहिए वहाँ के हिसाब से हमें डेटा कलेक्ट करना चाहिए और उसमें वहाँ की जो स्पेसिफिसिटीज हैं या वहाँ की जो यूनिकनेस है उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो देनी चाहिए ताकि हम उस मार्केट की और उस वहाँ के जो कंज्यूमर हैं हम उनकी रियलिटी को समझ सकें हम उनके जो बिहेवियरल पैटर्नस हैं उनकी जो थाट प्रोसेस हैं और उनकी जो डिसीजन मेकिंग में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हम उनको सही तरीके से टैप कर सकें या उसको फाइंड आउट कर सकें और उसके आधार पर फिर हम बेहतर तरीके से इस फील्ड में और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इसके बाद जो रिसर्च यूज़ होती हैं इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी वो यूजुअली आइदर क्वांटिटेटिव होती हैं इन नेचर या क्वालिटेटिव रिसर्चेज होती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्चेज़ में एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज़ या फिर सर्वे मेथड्स यूजली ज़्यादा यूज़ होते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च में फोकस ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इंटरव्यू मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और एथनोग्राफिक स्टडीज़ भी की जाती हैं कंडक्ट की जाती हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों ही जो रिसर्च मेथड्स हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और जैसी आवश्यकता होती है जैसा प्रोडक्ट होता है जैसा आ, कस, जैसा कंज्यूमर बेस होता है उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि हमारा जो अभी पर्टिकुलर जो आ, एम है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है उस रिसर्च का उसके आधार पर कौन सा मेथड वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होगा वो क्वांटिटेटिव मेथड होगा या क्वालिटेटिव मेथड होगा या दोनों का एक मिक्स्ड अप्रोच होगा तो ये उसके बाद उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है इसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एरियाज़ ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी की यानी जो उपभोक्ता मनोविज्ञान है उसके क्या कार्य क्षेत्र हैं और किन किन फैक्टर्स पर किन किन एरियाज़ में कंज्यूमर साइकोलॉजी ज़्यादा फोकस करता है तो उसमें जो सर्वप्रथम जो हमारे लिए जो एरिया है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है कॉग्निशन का क्षेत्र यानी संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको समझने का प्रयास सबसे अधिक किया गया है कंज्यूमर साइकोलॉजी की फील्ड में और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो चाहे वो रीज़निंग हो चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो चाहे वो अटेंशन हो चाहे वो परसेप्शन हो तो इस प्रकार की जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं यानी मेंटल प्रोसेसेस हैं वो सभी हमारे कॉग्निशन का हिस्सा हैं और ऐसे में हमारा कॉग्नेटिव प्रोसेस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बात कर रहे हों कंज्यूमर बिहेवियर की तो ऐसे में वो जो थाट प्रोसेस एक कंज्यूमर के माइंड में चलते हैं और वो किस तरह से उन थाट्स के आधार पर अपने डिसीजंस लेता है तो ये सभी हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसलिए जो कॉग्निशन की एक बेहतर समझ बनाना कंज्यूमर साइकोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इस क्षेत्र में एक स्टडी जो कंडक्ट की गई थी गॉर्डन एंड बेडली के द्वारा और उस स्टडी में कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग की बात की गई थी और इस शोध में उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ डाइवर्स को यानी कि कुछ ऐसे गोताखोरों को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया जहां पर उन्होंने उनको दो अलग अलग समय पर उनको कुछ लिस्ट यानी कि कुछ शब्द उन्हें याद कराए और वो शब्द उन्हें या तो पानी के बाहर जब वो गोताखोर पानी के बाहर थे तब उन्हें याद कराए गए या फिर जब वो गोताखोर पानी के अंदर चले गए तो वहाँ पर उनको वो लिस्ट दी गई कि आप वहाँ पर जाके ये लिस्ट याद करिए और इसके बाद जब वो गोताखोर उनसे कहा गया कि आप पुनः जो लिस्ट आपने याद की है आप उसको रिकॉल करके यानी आप उसको पुनः हमें बताइए तो ऐसे में वो गोताखोर जब उन्होंने जिस कंडीशन में वो लिस्ट याद की थी जब वो उसी कंडीशन में मौजूद होकर उन्होंने उसको रिकॉल करने का प्रयास किया तो उनका रिकॉल बेहतर था जबकि जब, जब उन्होंने उन्होंने जिस कंडीशन में उस लिस्ट को याद किया था उससे अलग कंडीशन में अगर उन्होंने उस लिस्ट को रिकॉल करने का जब प्रयास किया तो वहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंस थी या वहाँ जो उनका रिकॉल था वो उतना अच्छा नहीं था इससे हमें ये पता चलता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारी लर्निंग होती है यदि वही कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में जो हमारा जो लर्निंग हुई है उसका जो रिज़ल्ट हमें मिलता है या जो मेमोरी फॉर्म हमारी होती है वो बेहतर होती है तो ऐसे में इसका हम इस्तेमाल किस प्रकार से कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में या इन्फ्लुएंस करने में कर सकते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ जैसे आप कभी घर पर कोई टीवी देख रहे हैं उसमें एक एडवर्टीज़मेंट आता है और वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट जब आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको वो ऐड देखने के बाद उस ऐड को आप देखते हैं कि उसमें कौन से प्रोडक्ट को वहाँ पर बताया गया है और ऐसे में जब आप पुनः कभी आप जाते हैं किसी जगह पर किसी शॉपिंग मॉल में या किसी मार्केट एरिया में और वहाँ पर फिर से आप वो टी देखते हैं तो आपको वही ऐड वहाँ पर भी दिखता है तो ऐसे में जो आपकी लर्निंग है जो हुई है वो यहाँ पर फिर से आपको उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करती है तो ऐसे में इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो कंज्यूमर साइकोलॉजी की फील्ड में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं उसको समझने में भी और उसको प्रभावित करने में भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए जो एरिया है कंज्यूमर साइकोलॉजी का वो है अटेंशनल सिस्टम यानी कि जो हमारी अवधान की जो क्षमता है और जो हमारा सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसको समझना कंज्यूमर साइकोलॉजी की फील्ड में अति आवश्यक होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केटिंग में जो मैसेजेस हैं वो एक दूसरे से लगातार कंपटीशन कर रहे हैं हमारा ध्यान पाने के लिए यानी कि जो मार्केटिंग में जितने भी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं वो सभी हमें वो इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन्स हमारे पास पहुँच जाएँ हम उनको परसीव करें या उन इन्फॉर्मेशनस को अटेंड करें और उसके आधार पर हम उस प्रोडक्ट के बारे में जाने उसको समझें और उसके प्रति आकर्षित हों और भविष्य में यदि संभव हो तो हम उसे परचेज भी करें तो ऐसे में कुछ सिस्टम अटेंशनल सिस्टम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा उसमें पहला है कि दैट अटेंशनल सिस्टम में जो विजुअल सेलेक्शन है यानी विजुअल सेलेक्टिव अटेंशन जो है वो सबसे प्रमुख रूप से अफेक्ट करता है किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को यानी जो हमें दिखता है वो हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है या हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा उसकी तरफ जाता है जो चीज़ हमें विजिबल होती है यानी हमारा विजुअल अटेंशन जो है वो जो भी वस्तु आकर्षित करेगी सबसे ज़्यादा हमारे उसको अटेंड करने की संभावना होगी इसके बाद सेलेक्टिव अटेंशन में जो फिल्टर थियरी का सिद्धांत है वो भी यहाँ पर अप्लाई होता है कि किस प्रकार से जो सूचनाएँ हमारे पास आने के लिए कॉम्पीट कर रही हैं यानी एक दूसरे से वो संघर्ष कर रही हैं कि कौन सी सूचना हमारे पास पहुँचेगी और हम किस सूचना को अटेंड करेंगे तो ऐसे में हमारे पास एक फ़िल्टर मैकेनिज़्म है और फिल्टर थियरीज़ इस फिल्टर मैकेनिज़्म को समझाने का प्रयास करती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो मैसेजेस हमारे पास लगातार आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो सभी मैसेजेस एक उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है और हमारे पास पहले से जो एक फ़िल्टर मौजूद है हमारे ब्रेन में वो उन इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करता है यानी यानी उसमें से केवल रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसको वो हमारे सिस्टम में आगे जाने देता है और हम केवल उसी इन्फॉर्मेशन को जो हमारे लिए ज़रूरी है या रेलेवेंट है केवल उसी को अटेंड करते हैं बाकी सभी सूचनाओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इस क्षेत्र में जो फिल्टर की पहली थियोरी जो अटेंशन के क्षेत्र में जो दी गई थी वो डोनाल्ड ब्रॉडबैंड के द्वारा दी गई थी और इसके बाद इसी क्षेत्र में आगे चल के फिल्टर एटेनोवेशन मॉडल जो एनीट्रीजमेंट के द्वारा दिया गया था जिसमें ये बताया गया कि हम सारी सूचनाओं को फिल्टर आउट नहीं करते बल्कि कुछ ऐसी भी सूचनाएं होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में पहुंचती तो हैं परंतु वो काफ़ी वीक सिग्नल वहाँ तक पहुँचता है और यदि वो हमारे लिए रेलिवेंट होती हैं तो हम उनको उस वीक सिग्नल को भी परसीव कर लेते हैं यानी उसको पहले अटेंड करते हैं उसके बाद उसको परसीव करते हैं या उसको इंटरप्रेट करते हैं और इसके बाद एक और थियोरी इसी जो लेट सिलेक्शन मॉडल इसी अटेंशन के इसी फिल्टर सिद्धांतों में वो भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं वो शुरुआत में फ़िल्टर आउट ना हो करके एक हमारे पर्टिकुलर ब्रेन के एक लेवल तक जाती हैं जहां वो रजिस्टर होती हैं और उसके बाद वहां हम ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी सूचना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या कौन सी सूचना हमारे लिए इम्पॉटेंट या रेलिवेंट नहीं है तो उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि किस सूचना को हम अटेंड करेंगे और किस सूचना को हम अटेंड नहीं करेंगे इसके बाद जो स्ट्रेटजीज़ जो यूज़ की जाती हैं या जिसके आधार पर ये तय होता है कि किन सूचनाओं को या किन इंफॉर्मेशनस को हम ज़्यादा अटेंड करने की हमारी जो कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए जो कुछ फैक्टर्स हैं उसमें एक फैक्टर है नॉवेल एलिमेंट्स का यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए एक नयापन रखता हो यानी हम पहली बार यदि उसको देख रहे हैं वो हमारे लिए अगर एक न्यू एक्सपीरियंस है तो हम उसको अटेंड करने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो काफ़ी हाई होगी इसके बाद जो दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ कॉग्नेटिव इलेबोरेशन यानी संज्ञानात्मक स्तर पर हम उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन या जो जो भी वस्तु है उसको हम इलेबोरेट करना चाहेंगे उसके बारे में हम और ज़्यादा जानना चाहेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है इसके बाद जो तीसरा जो फैक्टर है दैट इज़ विविड मैसेजेस और विविड मैसेजेस से यहाँ पर तात्पर्य है ऐसे मैसेजेस जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई इमोशनल इन्फॉर्मेशन हो और इस इमोशनल इन्फॉर्मेशन की वजह से वो जो मैसेज है उसकी एक इमोशनल टोन होगी और उसकी वजह से ये मैसेजेस जो हैं वो हम उनको हमारी जो अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी इसके बाद कंट्रास्ट यानी कि और इसमें हम कंट्रास्ट में यूजुअली कलर कंट्रास्ट की बात करते हैं और कलर कंट्रास्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेशंस या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बेसिक कलर्स में हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं उनके अटेंड करने की हमारी जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है या उसके प्रति हमारी जो प्रोबेबिलिटी है अटेंड करने की वो ज़्यादा होगी इसके साथ ही साथ यदि हमारे सामने ऐसे स्टिमुलस आते हैं जो सारे कलरफुल स्टिमुलस हैं और उसी में कोई एक ऐसा स्टिमुलस हमारे सामने आ जाए जो ब्लैक एंड वाइट हो तो ऐसे में हम जो हमारी जो टेंडेंसी होगी या जो हमारा लाइवलीहुड होगा अटेंड करने का वो उस कंट्रास्ट यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो हमारे सामने स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया है उसको अटेंड करने का ज़्यादा होगा तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटजीज हैं अटेंशन को ग्रैब करने की ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंज्यूमर के अटेंशन को प्राप्त करने के लिए या उसका अटेंशन उस प्रोडक्ट की तरफ लाने के लिए इन सभी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में जो पैकेजिंग है या जो डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट है वो सभी इन चीज़ों के आधार पर या इस तरह की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है इसके बाद हम बात करेंगे एक और क्षेत्र की कंज्यूमर साइकोलॉजी में जिस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है और वो है परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यक्षीकरण का जो ये एरिया है इसके बारे में बेसिक नॉलेज मुझे लगता है आप सभी के पास पहले से मौजूद होगा यानी प्रत्यक्षीकरण में जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं हम उसका एक प्रकार से अपने लिए अर्थ उसका निकालते हैं या हम उस आने वाला जो स्टुम्लस हमने जो अटेंड किया है उसको हम मीनिंग अटेंड उसको मीनिंग प्रदान करते हैं और उसके बारे में वो स्टुम्बलस क्या है कैसा है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं इसके बाद परसेप्शन के क्षेत्र में जो गेस्टाल्ट स्कूल ने जो कार्य किया है या जो सिद्धांत दिया है वो आज भी बहुत रेलिवेंट है और गेस्टाल्ट जो गेस्टाल्टवादी जो विचार है जो परसेप्शन से संबंधित है वो ये है कि दैट द सम ऑफ द पार्ट्स इज़ नेवर ग्रेटर देन द होल यानी कि गेस्टाल्ट स्कूल ने जो बात कही है वो ये है कि होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स यानी कि जो कोई भी वस्तु हम देखते हैं या स्टिमुलस देखते हैं उसे हम संपूर्णता में देखते हैं यानी कि हम उसे ब्रेक डाउन नहीं करते उसे पार्ट्स में करके हम उसे नहीं देखते बल्कि हम उस वस्तु को या उस ऑब्जेक्ट को या उस स्टिमुलस को एक टोटैलिटी में उसको हम परसीव करते हैं और इसके कुछ लॉज भी उन्होंने बताए हैं जिनको हम लॉज ऑफ़ परसेप्शन या लॉ ऑफ परसेप्टुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी हम उसको जानते हैं या संबोधित करते हैं और इसमें जो पहला लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसमें जो वस्तुएं एक दूसरे के नजदीक होती हैं उसके आधार पर हम उनको परसीव करते हैं हम यहां पर देख सकते हैं कि इस फिगर में ये छह अलग अलग लाइंस हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स बट यहाँ पर अगर हम किसी से पूछेंगे तो वो इनको छः अलग अलग लाइंस न बता करके एक क्लस्टर में यहाँ उनको रखेंगे और वो ये कहेंगे कि हमारे पास तीन जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं या डॉट्स के या सर्किल्स के हमारे पास तीन कॉम्बिनेशंस हैं तो और ये इस वजह से हो रहा है इस तरह का जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कार्य कर रहा है और ऐसे में जो स्टिमुलस एक दूसरे के निकट हैं या जो फिगर्स एक दूसरे के निकट हैं हमने उनको एक करके यहाँ पर देखा है इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ़ सिमिलैरिटी की और लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में अगर हम देखें तो यदि हम इस उदाहरण से इसको समझना चाहें तो यहाँ पर जो हमारा परसेप्शन होगा वो इस प्रकार से कार्य नहीं करेगा यानी यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि तीन लाइंस हैं जिसमें एक ट्रायंगल एक सर्कल और एक स्क्वायर है बल्कि यहाँ पर हम देखेंगे कि तीन ट्रायंगल तीन सर्कल और तीन स्क्वायर हैं यानी कि जो हमारा परसेप्शन होगा वो इस तरफ होगा और ये दिखाता है कि जो सिमिलैरिटी के आधार पर यानी इनकी आपस में जो समानता है इन फिगर्स की उसके आधार पर हम इन्हें परसीव कर रहे हैं इसके बाद क्लोजर की जब हम बात करते हैं तो कोई भी वस्तु जब हमारे पास होती है कोई भी स्टुम्बलस जब हमारे सामने होता है तो हम उसको कंप्लीट कर देते हैं जैसे ये जो आकृति मैंने आपके सामने बनाई है ये कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम इसे क्या परसीव कर रहे हैं जबकि ये कंप्लीट ये यहाँ पर एक फिगर नहीं है फिर भी हम इसे क्लोज कर देते हैं यानी इसको संपूर्णता में देखते हैं और हम इसे ए की तरह परसीव करते हैं और यहाँ पर हम इसे एक ट्राइंगल की तरह परसीव कर रहे हैं तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से हम चीज़ों को पूर्ण कर देते हैं इसके बावजूद कि वो हमारे सामने जिस तरह से प्रस्तुत की गई हैं वो पूर्ण नहीं हैं और इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल जो माना जाता है वो एक बहुत ही मशहूर जो कंपनी है जो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड भी है जो एप्पल कंपनी है उसका जो लोगो है वो बहुत बार ऐसे सर्वेस कराए गए हैं जिसमें ये देखा गया है कि लोग जो हैं उस एप्पल को वो कटा हुआ वहाँ पर परसीव नहीं करते बल्कि वो उसको एक होल एप्पल की तरह देखते हैं तो ये जो कुछ परसेप्शन के हमारे जो लॉज हैं कहीं ना कहीं ये हमारे ओवरऑल जो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में हमें, हमें हेल्प आउट करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे सेंसरी कंज्यूमर सर्विस की यानी कि जो हमारी सेंस मोडालिटीज़ हैं जो वेरियस जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में हमारी हेल्प करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं जिसमें पहला जो है हम ये देखते हैं कि जो सेंस मोडालिटीज़ हैं वो हमारे परसेप्शन को कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली दोनों ही तरीके से वो प्रभावित करते हैं यानी कि जो हमारी सेंसरी मोडालिटीज़ हैं चाहे वो विजन हो चाहे वो टच हो चाहे वो स्मेल हो चाहे वो साउंड हो ये सभी प्रकार की जो हमारी सेंसरी जो मोडालिटीज़ हैं वो हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंस को अफेक्ट करती हैं और हमारे थॉट्स को कॉन्शियसली भी और सब कॉन्शियसली भी कहीं कही ना कहीं प्रभावित करती हैं और इसका एक क्लासिक स्टडी इस पर की गई थी कि किस तरह से ये जो हमारी सेंस मोडेलिटीज़ हैं ये हमारे थाट प्रोसेस को प्रभावित करती हैं एक स्टडी में आ, कुछ व्यक्तियों को उनको कोल्ड बेवरेज यानी कि कोई ठंडा पेय पदार्थ उनको दिया गया और अदर हाफ पार्टिसिपेंट्स को एक गर्म पेय पदार्थ दिया गया और उनको वो इस प्रकार के ग्लास में दिया गया ताकि उसका जो हॉटनेस या कोल्डनेस है वो उनके हाथ में फील हो यानी कि जब वो उस ग्लास को पकड़ें तो उन्हें अगर उन्होंने ठंडा ग्लास पकड़ा है तो उन्हें ठंडा महसूस हो और अगर उन्होंने गर्म ग्लास पकड़ा है तो उन्हें गर्म महसूस हो तो इस प्रकार के दो ग्रुप में उनको बांटा गया और उसके बाद उनसे कुछ व्यक्तियों ने आकर बात की यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मान लेते हैं यहाँ पर कि उसने आकर के उनसे बात की और ऐसे में जिन व्यक्तियों के पास हाथ में कोल्ड ग्लास था यानी कि जिसमें ठंडा पेय पदार्थ था उन्होंने उस व्यक्ति को कम फ्रेंडली और आ, कम विश्वसनीय बताया जबकि जिन लोगों के हाथ में हॉट बेवरेज था यानी उनके हाथ में गर्म पेय पदार्थ था उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को जो उनसे आकर जिसने बात की उसको उन्होंने ज़्यादा फ्रेंडली ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और ज़्यादा एक एक्सपर्ट के तौर पर उसको देखा यानी जो उनकी ओवरऑल जो फीलिंग्स थी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव थी जबकि वो लोग जिनको ठंडा पेय पदार्थ दिया गया था उनके जो स्किन से टच हो रहा था और वो उनको कोल्डनेस फील करा रहा था तो कहीं ना कहीं उनका उस व्यक्ति के प्रति एक कोल्ड हम कह सकते हैं एटीट्यूड था और ये कहीं ना कहीं हमारे जो हमने अभी बात की कि सब कॉन्शियस को भी प्रभावित करता है बल्कि कॉन्शियस में तो ये हमारे रहता ही है जो हमें सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन्स मिल रही हैं बल्कि हमारे जो सब कॉन्शियस में भी ये हमें प्रभावित करता है इसके बाद एक और सेंसरी हमारी जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं उससे संबंधित एक और जो फूड परसेप्शन हमारा जो है खास करके और उससे संबंधित कुछ स्टडीज़ हुई वहाँ उनका मैं आपसे यहाँ जिक्र करूँगा उसमें एक स्टडी जो की गई उसमें ये देखा गया कि किस प्रकार से जो हमारा विजुअल जो जो सेंस ऑर्गन है वो काफ़ी डोमिनेट करता है हमारे अदर सेंस ऑर्गन्स को यानी उनके उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रही है उनको हमारा जो विजुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे डोमिनेट करता है और इसके लिए जो एक स्टडी की गई थी वो स्टडी थी वाइन टेस्टिंग की और यहाँ पर एक्सपर्ट्स को वाइट वाइन टेस्ट करने को दी गई परंतु उसमें जो चेंज किया गया वो ये था कि उस वाइट वाइन को उसको रेड कलर से उसको मिक्स कर दिया गया ताकि उस वाइट वाइन को वो ना पहचान सकें कि ये वाइट वाइन है और उसके बाद उन्हें वो वाइट वाइन दो अलग अलग ग्लासेस में दी गई एक में जहाँ उस वाइट जो जो वाइट वाइन अब रेड हो चुकी थी वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में उनको दी गई और एक दूसरे केस में वो उनको एक ऐसे ग्लास में दी गई जो उनको उसका कलर विजिबल नहीं था तो ऐसे में ये देखा गया कि जिन वाइन एक्सपर्ट्स को वो ऐसे ग्लास में दी गई जहाँ पर उनको कलर विजिबल नहीं था तो ऐसे में वो उस वाइन को ज़्यादा अच्छे से पहचान पाए उसके टेस्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिपोर्ट कर पाए बल्कि वो एक्सपर्ट्स जिनको वो ट्रांसपेरेंट ग्लास में दिया गया जो उस कलर को देख पा रहे थे तो उनको ओवरऑल अपना जो ओपिनियन देने में उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो हमारा विजुअल सेंस है वो कहीं ना कहीं हमारा जो टेस्ट का सेंस है उसको डोमिनेट करता है तो इस तरह से जो विजुअल डोमिनेंस है वो देखने में आता है इसके बाद एक और इससे रिलेटेड जो स्टडी हुई थी वो कुकीज़ को लेकर के हुई थी यानी हम देखते हैं कि मार्केट में आजकल ऐसे बहुत सारे बिस्किट्स अवेलेबल हैं कुकीज़ अवेलेबल हैं जो हेल्दी होने का दावा करते हैं यानी कि जो ये कहते हैं कि वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बने हैं जो हेल्दी होते हैं तो ऐसे में उनको लेकर के एक स्टडी की गई कि किन कुकीज़ को कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा उसको हेल्दी uh, परसीव करते हैं और ऐसे में जो उसका टेक्सचर होता है यानी जो उसका खुरदुरापन होता है बिस्किट का कुकी का उसके आधार पर एक स्टडी की गई और उसमें देखा गया कि जो कुकीज़ में टेक्सचर ज़्यादा था यानी खुरदरापन ज़्यादा था उनको कस्टमर्स ने ज़्यादा हेल्दी uh, कुकी की तरह परसीव किया तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं इस तरह के रिसर्चेज़ और एक्सपेरिमेंट्स ये दर्शाते हैं कि जो हमारा विजुअल जो सेंस ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल uh, जो एक्सपीरियंस है उसको डोमिनेट करता है इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांड इन्फ्लुएंस की यानी कि एक और स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि न सिर्फ़ हमारे ये सेंस ऑर्गन्स बल्कि हमारा ओवरऑल जो ब्रांड को लेकर के जो हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है या ब्रांड को लेकर के जो हमारे अंदर ऑलरेडी एक प्रेजेंट एक मेमोरी है वो भी हमारे ओवरऑल जो हमारा बिहेवियर है या हमारा जो थाट प्रोसेस है उसको प्रभावित करता है और इसके लिए जो स्टडी की गई थी उसका मैं यहाँ पर आपसे उसका जिक्र करूँगा और वो स्टडी कुछ इस तरह से की गई कि उसमें दो ब्रांड के यानी एक पेप्सी और कोला ये दो ब्रांड्स की उनको पार्टिसिपेंट्स को ये दोनों ही जो ड्रिंक्स हैं तो ये दिए गए यानी ग्रुप ए को आधे लोगों को ग्रुप ए के आधे लोगों को पेप्सी और ग्रुप बी के आधे लोगों को पेप्सी और उसी तरह से ग्रुप बी के आधे लोगों को पेप्सी और ग्रुप बी के आधे लोगों को कोला यानी कि पेप्सी और कोला दोनों ही तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको आधी आधी दी गई और इसके बाद इस तरह के जो ग्रुप्स थे उनको एक बार ये बताया गया कि आपको कौन सा ब्रांड दिया गया है और एक बार उनको ये नहीं बताया गया कि आपको कौन सा ब्रांड यानी जो अभी आपको पेय पदार्थ दिया गया है पीने के लिए वो किस ब्रांड का था यानी कि इसमें से जो एक ग्रुप है उसको बताया गया कि आपने पेप्सी पिया है और दूसरे ग्रुप को ये नहीं बताया गया कि आपने कौन सा पेय पदार्थ लिया है उसी तरह से यहाँ पर भी इस ग्रुप को ये बताया गया कि आपने कौन सा पेय पदार्थ लिया है यानी आपने अभी कोला पिया है और दूसरे ग्रुप को यह नहीं बताया गया कि आपने कौन सा पेय पदार्थ लिया है अब यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स मिली जब इन सभी लोगों को एफ के इनको एफ के द्वारा इनकी ब्रेन स्कैनिंग की गई यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो एफ होता है वो एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें हम ब्रेन की स्कैंस कर सकते हैं तो उस तरह की जब उनकी स्कैनिंग की गई तो वहाँ पे बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए और वो ये देखा गया कि जो इस ग्रुप के लोग हैं जिनको ये नहीं बताया गया दोनों ही कंडीशंस में कि आपने कौन सा पेय पदार्थ किस ब्रांड का पिया है तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर जो एरिया एक्टिवेट हुआ वो था वेंट्रो Ventro... मेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी उनके ब्रेन का ये हिस्सा एक्टिवेट हुआ जबकि जब दूसरे पार्टिसिपेंट्स, जो कि ग्रुप ए में थे जिनको ये बताया गया था कि आपने पर्टिकुलरली कौन सा ब्रांड का आपने अभी पेय पदार्थ अभी आपने सेवन किया है तो उसके बाद जो उनकी जो एफ स्कैनिंग से जो रिज़ल्ट सामने आए वो बड़े ही इंटरेस्टिंग थे क्योंकि उनके ब्रेन में ये जो एरिया है जो हमारे एपेटाइट की आ, कह सकते हैं कि रिवॉर्ड से रिलेटेड है वेंट्रोमीडियल प्री फंटल कॉटेक्स जो ग्रुप बी के लोगों का एक्टिवेट हुआ था जबकि ग्रुप ए के लोगों का कई अलग अलग ब्रेन के सेंटर्स वहाँ पर एक्टिवेट हो गए जिसमें से हिपो भी था उसके अलावा उनका मिड ब्रेन सेक्शन भी एक्टिवेट हुआ और इसके अलावा डोर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉटेक्स भी वहां पर एक्टिवेट हुआ तो इससे हम ये देखते हैं कि जब ब्रांड कॉन्शियसनेस उनके पास था उनको ये बताया गया कि आपने कौन से ब्रांड का अभी पेय पदार्थ का सेवन किया है तो ऐसे में तो ऐसे में जो उनकी प्रीवियस मेमोरीज थी उससे ब्रांड से रिलेटेड वो भी वहां पर एक्टिवेट हो गई और उनके ब्रेन के दूसरे सेंटर्स वहाँ पर एक्टिवेट हो गए और इससे ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रेन में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है हमारे पास वो कहीं ना कहीं उस हमारे बिहेवियर को अफ़ेक्ट करती है यानी कि जब हमें उस ब्रांड के बारे में कोई सूचना नहीं थी तो हमारा ब्रेन हमारे थॉट प्रोसेस अलग तरह से कार्य कर रहे थे लेकिन जब हमारे पास उसकी पूर्व से सूचना थी तो इस कंडीशन में हमारा ब्रेन अलग तरह से फंक्शन कर रहा है हमारे अलग एरियाज़ डिफरेंट एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं तो इस प्रकार से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर साइकोलॉजी के ये जो एरियाज़ हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए और इसके बाद हम अपने अगले सत्र में जो कि सत्र नंबर आठ यानी कि लेक्चर नंबर एट होगा उसमें हम साइकोलॉजी ऑफ एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे और उसमें यहाँ से हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट की जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे अपने अगले सत्र में तो आज के अपने इस सत्र को हम यहां पर आज समाप्त करते हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद